हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सस्ते डायपर्स का एक वीडियो। मतलब ऑलमोस्ट आई गेस हर कोई मेरी वीडियो से रिलेट कर सकता है, बिकॉज डायपर्स पे बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, बहुत 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 ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। एंड आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली डायपर्स एक मस्ट भी हैं। बाहर जाना है, घर पे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस एंड ABC, सो इट्स समवेयर अ मस्ट थिंग। सो उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए मैंने पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लिटल्स, लव लैप, मैमी पोको, हगीज एंड पैम्पर्स। मैंने हर डायपर यूज़ किया है। पैम्पर्स, हगीज, मैमी पोको, ये थोड़ा सा ओवर बजटेड है, मतलब थोड़ा महंगा है डायपर ये। उसके बाद आते हैं लिटल्स पे। लिटल्स का डायपर 30 डायपर्स का पैकेट अराउंड 310 का मुझे मिलता है। उसका एक्चुअल जो प्राइस है दैट इज़ 499, क्योंकि मैं बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ज़ैप्टो, जहाँ से मुझे सस्ता मिलता है मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। उसके बाद आते हैं लव लैप पे। आजकल लव लैप का 616 का 64 का पैक चल रहा है ना। और उसके बाद आते हैं हम मैमी पोको, हगीज एंड पैम्पर्स। ये तो मतलब इनके प्राइजेज मैं देखती नहीं हूँ, बिकॉज़ ये मेरे को बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं, तो मुझे जब इनको ख़रीदना ही नहीं है तो मैं इन डायपर्स को देखती भी नहीं, इनके प्राइजेस को देखती भी नहीं। सो जी, ये डायपर्स हैं कडल्स के। कडल्स डायपर्स मैंने डी मार्ट से मंगवाए थे। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, आप कहीं और से चेक कर लीजिएगा, जहाँ से भी आपको मिलते हैं। सबसे पहले ये मुझे 450 के 60 मिले थे, 60 यूनिट्स पर 450। मैंने एल साइज़ में मंगवाए थे। तो ये है डायपर, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है जी, ये इसका स्ट्रेचेबिलिटी है इतना, मतलब इसके बाद नहीं जाएगा। और 5 वेरिएंट्स में है ये। न्यूबॉर्न अप टू 5 केजीज, स्मॉल 4 to 8 kgs, मीडियम 7 to 12, देन इज लार्ज फॉर 9 to 14 kgs, देन कम्स एक्सेल 12 से 17 किलो और डबल एक्सेल 15 से 25 किलो। सो ये है कडल। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मैंने फ्रंट कैम ऑन किया है। सो ये मुझे 150 का पड़ा था फॉर 20 pants। ठीक है जी, बट इसका भी जो प्राइस है, इस पे जो पैकेट पे प्राइस है, दैट इज़ 310। 20 यूनिट्स थी इसमें और मुझे ये मिला है 150 का। मैंने 450 की 6 pants मंगवाई थी। नाउ कमिंग टू इट्स क्वालिटी एंड ऑल सच थिंग्स, देखिए एक्चुअली मैंने इसको, इसके 3 पैकेट्स यूज़ किए हैं, तो एक दो पैंट को छोड़ के बाकी सब अच्छी निकली हैं। किसी में लीकेज का प्रॉब्लम नहीं था, किसी में मतलब किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, पर एक दो बारी मेरी बेबी को रैशेज़ ज़रूर हुए हैं ऑन हर बैक, तो उसको ये दिक्कत आई है। अब दैट कुड भी, ये ज़रूरी नहीं है कि डायपर से ही हुआ है, बिकॉज और ज़्यादा तो नहीं हुआ, एक दो बारी हुआ है तो कुछ और रीज़न भी रह सकते हैं। ये ज़्यादा गीला नहीं होता है, मतलब जो मैंने फील किया है, मतलब ये आपका 4 से 5 घंटा इजीली निकाल देगा, इफ़ प्रोवाइडेड आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पी नहीं करता है। इफ़ योर किड इज़ द वन जो मतलब एक बॉटल 250 ml की पी के लाइक 7 से 8 बार सुसू करता है, तो इन 4 to 5 hours या 10 से 12 बार सुसू करता है 4 से 5 घंटे में, सो इट्स अ गुड टू गो। बट इसके साथ वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन इट, हर बार आपको अंदर से बच्चा गीला मिलेगा। ये इस चीज़ का प्रॉब्लम है। आई मीन इसका जो अंदर से लिक्विड सोकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर डाइपर्स, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ऐसा फील होता है, ऑल दो मैंने अपने बच्चे को लव लैप का एल साइज पहनाया है, मैंने लव लैप के डाइपर्स खूब यूज़ किए हैं, सो खूब पहनाया है, ये वाला कडल्स का डाइपर और लिटल्स का डाइपर इनके साइजेस सेम है। मतलब जो अपने बच्चे को लिटल्स का एल साइज़ पहनाता है, ही और शी कैन गो फॉर कडल्स का एल साइज़। बट मेरी बेटी लव लैप का एल साइज़ पहनती है और लिटल्स का शी वियर्स एक्सेल, तो उस हिसाब से उसको ये वाला डाइपर थोड़ा सा टाइट लगता है, ऐसा मुझे फील होता है। सो बिकॉज शी इज़ नॉट दैट मच, शी इज़ अ लीन गर्ल, 12 से 14 किलो के बीच में ही उसका वेट स्ट्राइक होता है, तो उसी के बीच में है, जो मतलब इसका डायमेंशंस होता ही है एल साइज़ का, विच इज़ एल साइज़ का डायमेंशन 9 से 14, तो इसी के बीच में वो आती है। मतलब फ्यू डेज बैक वेरी करता है ना वेट, 14 किलो से ऊपर वो नहीं जाती है, 12 से 14 के बीच में रहती है, तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है दिस इज़ बिट टाइट टू हर,
बट कंसिडरिंग ऑल अदर थिंग्स लाइक क्वालिटी एंड ये सब चीज़ें कंसिडर करके, सबसे बड़ी चीज़ अफोर्डेबिलिटी यू नो कंसिडर करके, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ये एक तो यू नो पॉकेट फ्रेंडली है, आई मीन बजट फ्रेंडली है, उतना महंगा नहीं है, प्लस ये ख़राब क्वालिटी नहीं है. कई बार डाउट आता है कि कोई चीज़ सस्ती है तो वो क्वालिटी ख़राब होगी. इट इज़ नो एट ऑल ऑफ पुअर क्वालिटी और बैड क्वालिटी. इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सो यू कैन गो फॉर इट वेरी हैप्पीली. एंड मैंने इसको यूज़ किया है, अब एक्चुअली ये आउट ऑफ स्टॉक था, दैट इज़ वाई मुझे कोई और ब्रांड का ऑर्डर करना पड़ा. बट दिस इज़ अ गुड डाइपर, यू कैन गो फॉर इट. बस वही एक दो चीज़ें हैं कि हाँ, किड इज़ गोइंग टू गेट वेट, वो गीला रहता है तो आपको इसको थोड़ा जल्दी उतारना पड़ेगा. बाकी एब्जॉर्प्शन अच्छा है इसका और 4 से 5 घंटा इजीली निकल जाता है. मतलब मेरा बच्चा शी इज़ 2.5 years old, शी इज़ गोना बी 2.5 इन मे, मतलब 0.5-2.5 साल के लगा लो, तो उसके लिए मुझे ईज़िली चल जाता है ये, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं करता है. अब जब भी ये इन स्टॉक आएगा तो आई एम गोना ऑर्डर इट. मैं इसके अब पिछले बार मैंने 3 packets ऑर्डर किए थे, इस बार मैं 6 या 7 packets ऑर्डर कर लूँगी, सो दैट फिर आउट ऑफ स्टॉक होने का प्रॉब्लम नहीं हो. एंड येस, आई एम गोना ऑर्डर अ साइज बिगर, मैं XL ऑर्डर करूँगी, क्योंकि फिर मुझे L थोड़ा फील होता है कि बच्चे को अगर वेस्ट लाइन से टाइट हो तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम और हर. सो येस, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें, आपके एरियाज में ये अवेलेबल हो, आप कोई और डाइपर पे स्विच करना चाहें, तो आप वेरी हैप्पीली यू कैन स्विच ऑन टू दिस डाइपर. इट्स अ गुड टू गो. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.